मेरा एक बचपन से ड्रीम था जैसे बैरिस्टर बनना तो एक था कि भाई मुझे हार्वर्ड तो एक बार जाना ही है <laughs> तो जब हार्वर्ड गई मैं कैंपस में जब गई वो भी तो फुल स्कॉलरशिप फुल स्कॉलरशिप फुल मैं जब वो कैंपस में गई मुझे मैं बहुत रोई वो मिट्टी को मैंने अपने सर पे लगा के उस भूमि को मैंने वंदन किया क्योंकि मुझे मैंने ड्रीम देखा और मेरे लिए इतना मतलब भगवान ने मेरे लिए सारे दरवाजे ऐसे खोल दिए In her own words, Sharmila Oswald was an unwanted daughter from a conservative Marwari family. But that did not stop her from charting her own path, going to Harvard, and then being recognized by the PM of the country as the millet queen. Today, she's a self-made social entrepreneur working tirelessly to empower many like her. Join us as we discuss her journey from Gungat to Harvard. वेलकम टू ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे शर्मिला जी आप बॉम्बे आए हमारे ऑफिस आए आपको कैसे लग रहा है आई एम फीलिंग सो सो एक्साइटेड एंड जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर आई और वो ह्यूमस ऑफ बॉम्बे देखा तो ह्यूमैनिटी का जो टच है वो सीधे दिल से याद हुआ <laughs> <laughs> लेकिन आप आज हमें आपकी स्टोरी जाननी है uh, मैं जो आप अभी मुझे बता रहे थे कैमरा के ऑफलाइन उससे <laughs> शुरू करती दी जी आपका चाइल्डहुड कैसे था क्योंकि मुझे आप बता रहे थे कि uh, काफ़ी पेट्रियाल था बिकॉज यू वर अ गर्ल चाइल्ड यस उसके बारे में पहले आप बताइए um, जन्म वैसे भी अनवांटेड गर्ल चाइल्ड में इस दुनिया में आई uh, और एज आई एम फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स वेरी कॉन्जर्वेटिव फैमिली तो बहुत हार्डशिप्स मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा जो स्ट्रगल से भरा नहीं था तो इट्स लाइक ग्रू अप इन अ कॉर्नर और पता भी नहीं चला कि मैं कब बड़ी हुई क्योंकि uh, कोई वी वर नॉट बीन कंसिडर्ड एज अ प्रायोरिटी एस्पेशली वेन यू है ब्रदर्स तो आप कब तक पढ़ी थी और वेन डू दे स्टार्ट नजिंग यू फॉर मैरिड वेल टेंथ के बाद इट वॉज कॉन्स्टेंट वॉर एट होम थोड़ा सा पढ़ाई के लिए सपोर्ट वैसे नहीं था बिल्कुल नहीं था एक्सेप्ट माई पेरेंट्स पेरेंट्स वो वेरी जबकि वो राजस्थानी हैं पर वो काफ़ी लिबरल थे उनके थॉट प्रोसेस में पर बहुत बार आपके घरों में पेट्रीआर की इतनी स्ट्रॉन्ग रहती है कि उनका चलता नहीं है सो so, मेरा जो एजुकेशन है वो शादी के बाद हुआ रियल एजुकेशन जो है सो माय ग्रेजुएशन गोइंग अब्रॉड वॉट एवर आई बिकम दैट ऑल एजुकेशन इज़ आफ्टर माई मैरिज लेकिन ट्वेंटी तक आपने क्या पढ़ाई की uh, मैंने लॉ किया लेकिन उसके पहले मेरा फार्मा का बैकग्राउंड है सो hmm. so, uh, लॉ के जाने के पीछे भी स्टोरी ये रही है मुझे इंसाफ चाहिए मूवी रेखा की उस टाइम बहुत फेमस थी जब मैंने वो मूवी देखी तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन हुई क्योंकि मैं अपने घरों में देखती थी घूंघट में है जैसे चौके के बाहर नहीं आना है टीवी भी जैसे जेंट्स नहीं है तब यू नो लाइक हम किचन से देखते हैं सो so, वो टाइप का सारा जो अपग्रेंगिंग था या मेरी मदर को मैंने हमेशा घूंघट में मेरी भाभीियों को मेरी सिस्टर्स को तो मुझे ऐसे लगता था कि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है कि मेरी अपनी एक वॉइस हो मेरी अपनी एक ओपिनियन हो तो फिर उस चीज ने मुझे मेडिसिन बैकग्राउंड से आ, मैंने लॉ किया क्योंकि मुझे लग रहा था मैं एक आवाज़ बनना चाहती हूँ hmm. हू, तो लड़ना चाहती हूँ मतलब मुझे समाज से लड़ना नहीं था पर मुझे उनकी जो थाट प्रोसेस है कि महिला की तरफ देखने का जो एंगल है उससे लड़ना था hmm. और मुझे खुशी है कि अब हालात बहुत बदल चुके हैं एंड वी गर्ल्स ऑल विमेन आर रॉकिंग नाउ और 21 में जब आपकी शादी हुई उसके बाद का टाइम कैसे था uh, बहुत अच्छा रहा फॉर्चुनेटली आई गॉट मैरिड टू अ वंडरफुल मैन आई मीन हु चेंज माई लाइफ एंड uh, वो भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म बना समाज में शादी के दो साल बाद जाना वो भी सर ढका हुआ घूंघट में है और आप uh, पढ़ने के लिए अब्रॉड जाते हो और उस वक्त इंटरनेट नहीं था uh, कुछ भी नहीं था तो uh, पत्र जो अंतरदेशीय पत्र कहते हैं इनलैंड लेटर उससे जब वो पत्र जाता था यूनिवर्सिटी में जैसे यू के के hmm. तो मैंने बारह यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था एंड माई हस्बैंड यूज़ टू कम विथ मी टू ब्रिटिश लाइब्रेरी एक एक फॉर्म मैनुअली भरते थे फिर वो यूनिवर्सिटी जाता था कैम्ब्रिज ऑक्सफर्ड नाटिंग हैम लैंकेस्टर और फिर वो स्कॉलरशिप के लिए पूरे दो साल का प्रोसेस सो ही टुक ऑल दैट एफर्ट्स एंड आई गॉट फुल स्कॉलरशिप फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ लंडन ब्रिटिश गवर्नमेंट वाह और आपके इन लॉज से क्या बातचीत होती uh, <laughs> uh, शुरू में बहुत हार्ड रहा बट हजबेंड जब आपका बहुत स्टैंड uh, रहे आपके साथ अगर उसका स्टैंडिंग है वो अगर आपके साथ खड़ा हो जाए तो फिर कोई ताक़त रोक नहीं सकती अगर वो नहीं है आपके साथ फिर मुझे लग रहा है मैं भी कोई चार लोगों में चार औरतों में मैं भी एक शायद बन जाती थी बट माय पैशन वाज अंडरस्टूड बाय हिम मोर देन मी एंड ही थॉट दैट आई डिजर्व मच बेटर इन माय लाइफ आपने कुछ कहा कि सोसाइटी में लोग पूछ रहे थे कि दो दो साल शादी के बाद अब्रॉड जाना hmm. तो उस टाइम के बारे में बात करेंगे कि इमीडिएटली <laughs> शादी के बाद आ, आपका क्या सर्कमस्टेंस था और फिर जब आप अप्लाई आपने अप्लाई करना चालू किया और फिर आपको स्कॉलरशिप मिली आ, वो पूरा प्रोसेस प्रोसेस uh, जब शादी के बाद अप्लाई करते हैं आप सोचिए नाइन्टी फाइव का जो जमाना था गले में मंगलसूत्र होता था uh, वाटी कहते हैं महाराष्ट्र महाराष्ट्र में वाटी का मंगलसूत्र तो वो पहन के जब इंटरव्यूज़ को जाते थे तो मैं हर जगह रिजेक्शन होता था क्योंकि मेरे साथ के जो कैंडिडेट्स होते थे वो बैंगलोर नेशनल लॉ स्कूल चेन्नई केरला एंड वो इतने एंड आई एम फ्रॉम मराठी मीडियम मैं महाराष्ट्र के कोकण में पोइनाड एक बहुत छोटा गाँव है जहाँ से मैं मेरी पढ़ाई हुई है तो मुझे अंग्रेजी भी शुरू हुई है आठवीं में दिस इज़ गोपाल दैट इज़ सीता दिस वॉज़ माई इंग्लिश इन टेंथ स्टैंडर्ड तो अब वो जर्नी के बाद जब आप अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटीज़ में फॉरेन के इट वॉज एक्सट्रीमली हार्ड बिकॉज कॉन्वेंट के बच्चों को ज़्यादा स्कोप एंड देट टू दे आर अनमेरिड सिंगल दे आर इन अ वेरी वेस्टर्न आउटफिट्स आई एम विथ दैट सारी विद द पल्ला इन माई हेड इट वॉज एक्सट्रीमली हार्ड बट डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रोंग थी कि डिस्पाइट ऑफ मराठी मीडियम आई क्रैकट इट आई रिमेंबर आई एल टी एस में आई टॉप जो नाइन्थ स्कोर होता है उसे आठ मराठी मीडियम के बाद लाना इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट तो मैंने रीडिंग पे बहुत फोकस किया था डिस्पाइट ऑफ पूरा दिन काम कर रहे हो पसीने से जूझ रहे हो बट रीडिंग एंड मुझे था कि बस मेरी मंजिल मुझे मालूम थी कि मुझे बैरिस्टर बनना है मुझे hmm. इंग्लैंड जाना है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी दे इन्फ्लूंस्ड माई लाइफ तो आई वॉज रेडी टू टेक एनी एंड एवरी थिंग इन माई लाइफ एंड आई क्रैक्ट इट एंड जब लेटर आया कि आईव गॉट फुल स्कॉलरशिप सो दैट वॉज समथिंग वेरी बिगेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ और रिएक्शन क्या था रिएक्शन पेरेंट्स डेफिनेटली वो एक्सट्रीमली हैप्पी दे क्राइड हसबेंड वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी आप सोचिए उसे तो अपनी वाइफ को दूर भेजना है और वो भी जब आप साल दो साल के लिए जा रहे हो मास्टर्स करने वगैरह तो इट वॉज अ बिग डील बट समाज में बहुत उंगलियाँ भी उठती है ऐसा नहीं कि सब बहुत हंस के आपको एक्सेप्ट करते हैं अरे शादी के बाद जा रही है मतलब कुछ इंग्लैंड शराब पिएगी फिर ये बाहर घूमेगी ऐसे बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए थे उस वक्त तो आपने कैसे फॉर्चुनेटली माई मदर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंफ्लुस इन माई लाइफ जिसने मुझे कहा कि बेटा तू तो हिंदुस्तान की बेटी है और तू पीछे मुड़ के मत देखना पापा ने कहा कि बेटा अपने आप को हमेशा हाथी समझना कि हाथी जब बाजार से गुजरता है तो कुत्ते भौंकते हैं और हमेशा ये सोचना कि तुम हाथी हो और भगवान की दुआ से हाथी बना भी दिया मुझे <laughs> <laughs> तो और जब आप इंग्लैंड पहुंची वो दो साल कैसे इंटरनेट uh, भी नहीं था सो माई फर्स्ट ई मेल माई फर्स्ट हॉटमेल अकाउंट वॉज टॉट टू मी एट यूनिवर्सिटी ऑफ नाटिंग हैम एंड देन लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स सो जब मैंने ये शुरू किया एंड ऑनेस्टली बिकॉज आई हैड अ मराठी मीडियम आई फेल्ड मिजरेबली ब्रिटिश एक्सेंट प्रोफेसर्स क्या बोलते हैं और मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन आती थी कि मैं पास नहीं हो पाऊंगी सो देन आई कॉल माई मदर कि ममा मैं नहीं कर पाऊंगी ये यू नो मुझे ये बहुत टफ लग रहा है और ऐसे कैसे तू नहीं कर सकती क्या है अंग्रेज़ी दुनिया में करने वाले क्या नहीं करते घाव के घाव ले लेते और तू इतना नहीं कर सकती इतना डाटा इतना डाटा एंड देन जो मैं लक पड़ी देन पीछे मुड़ के ही नहीं देखा तो आप इंग्लिश खुद को सिखाया इंग्लैंड हाँ. में रीडिंग वॉज द बिगेस्ट यू नो एंड देन मेकिंग फ्रेंड्स मेरे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं आज भी मैं दुनिया में कहीं पर भी जाती हूँ मुझे होटल में बहुत हार्डली रहना पड़ता है क्योंकि मेरा इतना बड़ा नेटवर्क है एंड दे अडोर मी सो दे लव मी सिक्यूटी और आपके फैमिली के साथ आप टच में कैसे रहते थे आपके हस्बैंड के साथ तब वो, ट्रंक कॉल बुकिंग होता था अच्छा। नहीं वो उसे, इंडिया से कॉल है इंडिया से कॉल है <laughs> यू नो ट्रंक कॉल <laughs> बुकिंग वो वाला होता था तर... और जब आप वापस आए तब तब जो आ, वेलकम हुआ मतलब गांव में जिस गांव से वो पोइनाडो उन्होंने जुलूस निकाला फिर मैं रा, राजस्थान से ओरिजिनली तो उस राजस्थान के गांव में भी कि भाई राजस्थान की हमारी ये पहली बेटी है जो बैरिस्टर बनी है तो उन्होंने बहुत नवाज़ा उसमें एक जोक ये भी हुआ कि मेरे जो सास थे दादी सास वो लेकिन साड़ी लाना नहीं भूले उनको लगा ये अंग्रेज बन के आ रही है <laughs> तो वो एयरपोर्ट पर बाकायदा ब्लाउज़ एंड साड़ी ले आए थे वो सबसे इम्पोर्टेंट वो सबसे इम्पोर्टेंट है।, है और फिर आपका करियर कैसे शुरू हुआ आफ्टर वहाँ से आने के बाद आई बिकम प्रिंसिपल ऑफ लॉ कॉलेज अंड यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे सो एक बहुत बड़ा ब्रेक लाइफ का मिला एंड इवन कैनेडा का जो रेसिडेंस uh, मेरे पास मतलब मुझे जो आया तो इट वॉज़ एवरी थिंग केम एज अ ऑनररी टू मी तो ये बहुत सारे लॉरल्स बहुत सारे ऑनर्स ये मेरे इंग्लैंड के बाद आए जीवन में और आपके लाइफ में पैसे कमाना इम्पॉर्टेंट था या नहीं था uh, था क्योंकि जब ये स्कॉलरशिप्स मिली तब इवन दो आई वॉज़ फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू बैकग्राउंड पर एक जिंदगी में मेरे अंदर एक थाट प्रोसेस बचपन से था कि मुझे किसी से पैसे एक रुपये भी नहीं चाहिए hmm. जो भी होगा मेरा होगा मेरा अपना होगा मेरे अपने स्वेट का होगा और uh, जब आपने प्रैक्टिस चालू की तब तब आपका बैलेंस कैसे चल रहा था घर के हिसाब से hmm. कॉलेज के हिसाब से मतलब आप तब भी काम कर रहे थे घर के। हाँ, हाँ बहुत हार्ड था मैं बॉम्बे पुणे अप डाउन करती थी आ, बॉम्बे हाई कोर्ट में आती थी सो so, ये बॉम्बे पुणे अप डाउन आपको घर का खाना बनाना है और आपको पुणे से पाँच बजे की ट्रेन पकड़नी है डेक्कन एक्सप्रेस पकड़ना है मुंबई आना है हाई कोर्ट में पूरा दिन करने के बाद घर जाके वापस खाना बनाना है सो लाइफ वॉज वेरी वेरी हार्ड मतलब जिंदगी वो रेल की तरह मतलब जो एक मैकेनिक लाइफ होती है इट वॉज़ एक्सट्रीमली हार्ड लेकिन आपको इस सब से अचीव क्या करना था वेल well, जैसे मैंने बताया बचपन में मैंने बहुत महिलाओं की या विमेन की हार्डशिप्स देखी तो मुझे था कि मुझे इनके बीच की एक नहीं बनना है हुँ. मैं अपनी ज़िंदगी बस जन्म लिया आए और खाने को मिल गया आपको गाड़ी मिल गई आप घूम रहे अच्छा हस्बैंड मिला जेवरात मिल गए ये मेरा फोटिक कभी नहीं था मेरे लिए ज़िंदगी में बचपन से एक था कि आई शुड डू सम इम्पैक्ट टू द कम्यूनिटी मैं मरूँ तो ज़िंदगी में कुछ करके मरूँ और फिर आप जब फार्मर्स के लिए काम करने लगे सोशल वर्क सोशल वर्क स्लैश बिजनेस सोशल ऑन्टरप्रनरशिप कहते हैं है. uh, वो आइडिया आपको कैसे मिला और आप आपके इम्पैक्ट के बारे में अगर कोई एक ऐसा जो फार्मर मिला हो जिनकी इस लाइन की वजह से लाइफ चेंज हुई हो उसके बारे में आप थोड़ा बता दें जैसे आपको पता है महाराष्ट्र में फार्मर्स का सुसाइड्स करने का रेट सबसे ज़्यादा है क्या वजह है इसके पीछे पैकेजेस बहुत गवर्नमेंट डिक्लेयर करते हैं पर उन तक पहुंचता नहीं है अभी विदर्भ में अगर आप जाएंगे अकोला साइड जाएंगे तो वहाँ के फार्मर्स इतने ज़्यादा मतलब गरीब या वर्ड भी गरीब पड़ हो जाएगा मैं कोकन से हूँ तो मैंने पूरे बचपन देखा है कि जैसे बारिश आई पूरा अनाज अफेक्टेड हो गया इतना लॉसेस हो गया तो फार्मर जो है हमारी प्लेट में जो खाना आता है या हम जो आज जिंदगी जी रहे हैं वो उस फार्मर की बदौलत है तो वो जज्बा जो है वो मेरे बचपन से क्योंकि मैं कोकन में मेरा स्कूलिंग हुआ मैं उनके बीच में ही जैसे पली बढ़ी और ये इस जज्बे ने मुझे जो मतलब खड़ा किया वो इसी जज्बे ने खड़ा किया और विमेन फार्मर्स उनका कई ओपिनियन ही नहीं है सो so, ये सब चीज़ों ने मुझे बहुत एक अंदर से लाइक यू नो इट अट्रैक्टेड मी कि मैंने मुझे ज़िंदगी में जो करना है आई हैव टू डू दिस और स्पेशली अन्नपूर्णा जो है आई एम वेरी कनेक्टेड टू माई सॉइल मिट्टी इसी लिए कैनेडा छोड़ के भी आई मीन आई हैड अ वेरी ग्लैमरस करियर बट बींग अ बार एट लॉ एंड आप एक जब यूके से पढ़ते हो ब्रिटिश लॉयर हो आप आपको मुँह खोलने के भी हज़ारों लाखों में आपको पैसे मिलते हैं बट उस चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट नहीं किया क्योंकि मेरे लिए ये था कि मेरी जिवा पे एक सरस्वती बैठती है तो मुझे आवाज़ बनना था एंड आई था कि पॉलिसी मेकिंग अगर देश में कुछ सुधार लाने हैं तो पॉलिसी जैसा कोई बढ़िया ये टेक्निक नहीं है या मेथडोलॉजी नहीं है सो आई स्टार्टेड राइटिंग रिसर्च डेवलपमेंट फार्मर्स के साथ बिल्कुल हैंड होल्डिंग करके काम करना शुरू किया और इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं ऐसे कोई एक फार्मर जो जिसकी स्टोरी आपको बहुत ही टच कर गई हो और आप उनको हेल्प कर सकती थी तो उसके बारे में हम बात करें uh, एक नहीं ऐसी कई सारी है इनफैक्ट uh, तो जैसे इनको कोई गाइडेंस ही नहीं रहता है कि अब जैसे जुन्नर तालुका है पुना के पास में तो उस जुन्नर तालुका में वड़ूज धरण है मतलब डैम है तो वड़ूज धरण में जो पानी है तो इन लोगों को क्या होता था कि उसके बाजू में जो खेत है उसको पानी मिल जाता था पर उसके आगे जो खेत है उसको पानी नहीं मिलता है hmm. तो क्या होता था दोज फार्मर्स वर अफेक्टेड तो ये चीज़ का मैंने बहुत स्टडी किया एंड देन इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट कि वो डैम का पानी इन 400 फार्मर्स को कैसे पहुँचेगा कैसे वो उससे यूटिलाइज करेंगे फिर उसमें से जो बचा के एनर्जी से वो गांव में कैसे बिजली आएगी ऐसे करके वो पूरा गांव को हमने पूरा इनोवेशन के जरिए उसके लिए ग्रांट मिला हमें नाबार्ड से तो नाबार्ड के साथ वो प्रोजेक्ट किया देन डूंगरपुर है जो कि राजस्थान और गुजरात के बीच में वहाँ 400 आदिवासी फार्मर हैं पहले वो जैसे जो क्रॉप्स लेते थे तो उन्हें इनकम ही नहीं हो रही थी देन वी कोलेबरेटेड विथ आई टी सी ई चौपाल ई चौपाल क्रिएट किया सो उनके उनको है ना थोड़ा सा ये समझ नहीं था कि पानी कम है ड्रॉट है राजस्थान है सूखा है तो कौन सा ऐसा अनाज ली जिससे स्मार्ट वाटर एग्रीकल्चर किया जाए तो वहाँ पे फिर गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया ई चौपाल एक ने उनके लिए एक मार्केट बनाया इससे ये 400 जो आदिवासी थे इनके घर चूल्हे चलने लग गए ऐसे अब हमारे हज़ारों लाखों आज डिजिटल वुमेन वॉरियर भी है हमारा जिसमें एक लाख से डेढ़ लाख महिलाएँ जुड़ी हुई है तो जिसको पूरा हमने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया है और ये प्रोग्राम क्या है आ, ये प्रोग्राम कि अभी आपके पास कैपिटल नहीं है आपके पास पैसे नहीं है अब आप देख रहे होंगे इंडिया में हर कोई व्हाट्सअप पे, जैसे कुर्ती बेचता है ज्वेलरी बेचता है सब बेचता है तो हमने तीस शहरों में डी बाज़ार बनाए जैसे व्हाट्सअप ग्रुप बनाया तो हमारी तीस लोगों की एक मैंने टीम तैयार की अच्छा ये जब हमने शुरू किया तो ये लॉन्च भी प्राइम मिनिस्टर के हाथ से ही हुआ है प्रधानमंत्री जी के हाथ से और अमिताभ जी कांत कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया ढाई सौ महिला हम दिल्ली गई उस ढाई सौ की अब डेढ़ लाख बन गई फिर जो सीनियर सिटीज़न है बच्चे अमेरिका में हैं ड्राइवर नहीं है कोई नहीं है रिक्शा लेना ये हमने इन महिलाओं को जो सीनियर सिटीज़न है इनको ऊबेर ओला बुक करना सब्जी बुक करना जो रेलेवेंट फ्रेजेस है वो वर्ड्स है वो हमने सिखाए वो हमारे बहुत सक्सेसफुल हुए जो ओल्ड पीपल है तो ये महिलाएं इतनी जुड़ती गई और ये सारा एजुकेटेड महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती थी तो एक बहुत बड़ा परिवार बन गया आज अगर रात को दो बजे एक आवाज़ दे दे तो पूरा इंडिया खड़ा हो जाएगा <laughs> <laughs> और आपने कैसे डिसाइड किया कि फोर्टी फाइव ईयर्स पे मैं हार्वर्ड जाऊंगी क्योंकि आपका एक साल का प्रोग्राम था हार्वर्ड में और फोर्टी फाइव ईयर्स जब लोग टिपिकली uh, एजुकेशन नहीं इम्पोर्टेंट uh, मानते जी तो वो कैसे हुआ और आपका एक्सपीरियंस कैसे था आई टेल यू एज इज़ जस्ट अ नंबर बिकॉज़ मैंने जीवन में जितना भी कुछ किया वो जैसे पोस्ट मैरिज किया या जैसे जैसे अब मैं आई मीन आई एम अ प्लस फिफ्टी तो अब नई डेवलपमेंट्स हो रही है नया लर्निंग एंड आई एम अ स्टूडेंट एट जितना बढ़ रहा है आई एम अ स्टूडेंट तो 45 में जब ये हुआ तो मुझे एक अलग सी अकम्पलिशमेंट आई इनफैक्ट ऑन द सिमिलर टाइम आई डिड फ्लाइंग ऑल्सो ब्रैमटन फ्लाइंग क्लब एट कनाडा। सो आई हैड ऑल दोज पैशंस एडवेंचर्स एंड जब मैंने पहला टेक ऑफ किया सेसना थ्री फोर्टी मल्टी इंजिन तब मुझे ग्रेट फीलिंग आई कि एज अ वूमेन आई कैन डू एनी एंड एवरी थिंग नथिंग कैन स्टॉप मी इन दिस वर्ल्ड सो आई थिंक हार्वर्ड जाना मेरा एक बचपन से ड्रीम था जैसे बैरिस्टर बनना तो एक था कि भाई मुझे हार्वर्ड तो एक बार जाना ही है <laughs> तो जब हार्वर्ड गई मैं कैंपस में जब गई तो फुल स्कॉलरशिप मैं बहुत रोई वो मिट्टी को मैंने अपने सर पे लगा के उस भूमि को मैंने वंदन किया क्योंकि मुझे मैंने ड्रीम देखा और मेरे लिए इतना मतलब भगवान ने मेरे लिए सारे दरवाजे ऐसे खोल दिए hmm. और उसके बाद मुझे पैलेस्टाइन जॉर्डन इसराइल का जो बॉर्डर है वहाँ पे वाटर सिक्योरिटी प्रोग्राम में एज अ वाटर आर्बिट्रेटर वाटर डिप्लोमैट भेजा गया इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी यू नो टू वर्क ऑन दिस इंटरनेशनल प्ले आपने कहा कि आ, आपके क्लास में आप 45 इयर्स के थे और आपके क्लासमेट सब ट्वेंटी वो एक्सपीरियंस कैसे था जो एशियंस थे उनको थोड़ा आंटी कहने की आदत होती है अरे you know? <laughs> <laughs> so यार मुझे या ना दीदी बोल दो आंटी एकदम ऐसे थोड़ा आउट स्पेस लगता है बट देन आई यूज़ टू इंजॉय बींग यू नो मुझे लगता था यार बिकॉज थिंकिंग जो है आई थिंक मोर देन एज थिंकिंग वो बहुत सेम होता था कि जो ट्वेंटी फाइव थर्टी ईयर्स के बच्चे जो सोच रहे क्योंकि मेरी सोच बिल्कुल उसे मैच करती थी hmm. तो आई थिंक उनके लिए पहले थोड़ा होता था कि थोड़ा वो मुझे इग्नोर भी करते थे कि शी इज़ सीनियर बहुत ओल्ड है इनके सामने जोक्स नहीं क्रैक कर सकते बट देन लेटर दे रियलाइज दैट आई थिंक आई एम मोर ह्यूमरस और हावर्ड के बाद लाइफ कैसे बदली ओह माय गॉड दैट चेंजड माय लाइफ अगेन ड्रास्टिकली क्योंकि लोगों का देखने का प्रस्पेक्टिव जो है hmm. मेरे तरफ वो बदल गया गवर्नमेंट uh, से इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आ गई दे स्टार्टेड टेकिंग माय ओपिनियंस व्यूज़ जिसे अभी हर जी ट्वेंटी में जैसे बुलाया जाता है hmm. तो इस चीज़ ने बहुत एक जीवन में एक डिफरेंस लाया बहुत hmm. बड़ा डिफरेंस लाया और अभी जो आपका मिलिट मिशन है जी. और को uh, 2023 ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इज़ द ईयर ऑफ द मिलट राइट वो बिजनेस के हिसाब से कैसे ग्रो हो रहा है क्योंकि आपने इतने सारे रोल्स प्ले किए लाइफ में जी लॉयर वाटर स्पेशल एडवाइजर यू रन अ बिजनेस आप ऑल्सो uh, आप बहुत सारे टॉक्स देते हो आप ट्रैवल uh, करते हो तो um, अभी ये बिज़नेस एस्पेक्ट कैसे रहा है आपके हुँ. लिए रन करना दैट्स वाई आई कॉल इट माई सेल्फ एज अ सोशल For me, फॉर मी डूइंग बिजनेस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ एंड ऑफ द डे आई शुड मेक सम वैल्यू society, to the community. So कम्युनिटी सो मैं water space में काम कर रही हूँ मैं agro में काम कर रही हूँ और मैं मिलेट में काम कर रही हूँ एंड ऑफ द हजारों घर के चूल्हे जल रहे हैं हजारों फार्मर्स लाखों फार्मर्स को इससे लाइवलीहुड्स मिल रहा है आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सस्टेनेबिलिटी आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एस डी जी गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप कह रहे थे कि आप यूएसपी जा रहे हो हुँ. उनको एजुकेट करने जी कि ये क्रॉप क्या है जी तो वो कैसे फीलिंग आती है क्योंकि दिस इज इट्स अ मतलब पूरा सर्कल हो गया लाइफ का जी, तो जी. उस बारे में आप बताइए जब आप भारत के बाहर जाके मिलेट के बारे में जब अवेयरनेस करते हो क्योंकि वो एक पशु आहार है अमेरिका में या बाहर के देशों में अभी भी उसे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं माना जाता पर जब मैं अमेरिका जा रही हूँ या इसे लॉन्च करने वाले तो अंदर एक ये वाली फीलिंग है कि जो सिपाही सरहद पर लड़ रहा है वो देश के लिए लड़ रहा है मुझे भी वही फीलिंग है कि मैं देश की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए लड़ रही हूँ और अभी मैं ग्लोबल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की एजेंडा लेके जा रही हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपने जैसे आपकी लाइफ की शुरुआत हुई विच ज़ वेरी पेट्री की एजुकेशन um, भी एक फ़ाइट थी और अब आपने इतना अचीव किया इतने रोल्स प्ले किए हैं तो आपका एडवाइस क्या रहेगा यूथ से जो मे बी फेवरेबल सर्कमस्टांसिस में नहीं है अब और उनके भी ख्वाब है उनको जी, भी कुछ जी, करना है जी. लेकिन उस वक्त बहुत ही टफ़ दिखता है जी, जी 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 लेकिन आपका एग्जाम्पल अगर वो आज देख रहे हो तो हाँ. आप उनको क्या कहेंगे मेरे जैसी ऐसी कई हज़ारों लाखों शर्मिलाएँ इस देश में हैं जो आना चाहती हैं कोई गाँव में होगी कई घरों में होगी कोई सिंगल होगी कहीं कुछ अरमानों से होगी डिज़ायर्स होंगे तो बहुत स्ट्रगल्स तो आएंगे ही uh, मैं ये स्पीच की तरह नहीं बताऊंगी कि अरे आप पेशेंस रखो और अब नहीं बिल्कुल नहीं आई थिंक जीवन में कभी कभी रिबेल भी बनना पड़ता है मैं बनी रिबेलियस रिबेलियस होना अच्छी बात है बट एट द सेम टाइम रीज़नेबल बैलेंस बींग दैट रिबेलियस क्योंकि आप समाज से रिबेल तो कर लोगे बट एट द सेम टाइम समाज जब नकार देता है hmm. तो यू you नो know, ये डिफ़िकल्ट है बट मेरे मेरा जो एक्सपीरियंस है इट्स पॉसिबल आप ये बैलेंस जो रख सकते हो तो रखना इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली हम है क्या हम इसी समाज हम इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं मैं लंदन चली गई मैं हार्वर्ड चली गई पर मेरा जो इस मिट्टी के साथ कनेक्शन है मैं अगर रिबेल बन जाऊंगी और बिल्कुल हिप्पी थॉट प्रोसेस रखूंगी ओ आई डोंट केयर क्योंकि आजकल ऐसा होता है आई डोंट केयर एटीट्यूड बट आई फील एंड ऑफ द डे वो एटीट्यूड आपको ना तनहा बनाई देता है भीड़ में भी तनाई मिलती है आप बहुत बड़ी ऊँचाइयों पर चले जाओगे पर आपको कोई नहीं रहेगा अप्रिशिएट करने पर जब आप वो दिमाग में डिटर्मिनेशन रखते हो कि हार्ड वर्क करना मेरा काम है स्मार्ट वर्क करना मेरा काम है अपोजिशंस तो आएंगे ही अपने खुद के पेरेंट्स आपको अपोज करेंगे आपके अपने घर वाले रिश्ते सबसे ज़्यादा दर्द भी देते हैं तो वो सारा दर्द आपको मिलेगा पर उस दर्द का जो अल्टीमेटम है आपने आपका डिटर्मिनेशन रखना ही है डेडिकेशन रखना ही है काम करते रहो अभी स्टार्टअप की दुनिया में मैं हूँ मुझे पता है एवरी मोमेंट देर इज़ अ लाइक डिफिकल्टी ऑफ हर मिनट हर मोमेंट हम मरते रहते हैं बट जिंदा रहने का जो जज्बा है वो तभी है कि जब दिमाग में थोड़ी सनक चाहिए यार मैं तो कर ही लूंगा यू नो एंड मैड होना ही पड़ता है तो डिस्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस यूथ पर्टिकुलरली विमेन जो है दे हैव टू बी मैड कि नहीं यार मैं करूंगी कुछ भी हो मुझे बहुत सारी अड़चने आएगी और तब हाथ जोड़ के भाई एक्सेप्टेंस की अड़चने आने वाली है लेट मी बी रेडी फॉर इट ताकि आपको वो रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिले ये आने वाला है इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ अगर सीधा सीधा मिले तो यार जिंदगी का मतलब ही क्या है <laughs> सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी <laughs> हर बड़े इंसान को इस दुनिया में देख लो हर इससे जूझना पड़ा तो हम क्या चीज है सो <laughs> so, जज्बा अगर बहुत स्ट्रांग है आपका तो दुनिया की कोई चीज आपको रोक नहीं सकती पूरी कायनात लग जाएगी आपको उस चीज से मिलाने के लिए सो <laughs> <laughs> so, आपका आपके जो मेंटर है जी सबसे वर्ल्ड के फेमस मेंटर होंगे <laughs> पीएम मोदी जी. और आपको वो गाइड करते हैं मिलिट के बारे में सस्टेनेबिलिटी के बारे में वो कैसे हुआ और उसका क्या अ, रिजल्ट आया आपको अब जब उन्होंने काम का नोटिस किया आप सोचिए मैं पोइनार जैसे छोटे गांव में अ, एक बिल्कुल जिसका कोई मतलब ऐसा कोई रीच नहीं है मन की बात में उन्होंने जिक्र करना सौवे एपिसोड पे स्पेशली बुलाना दिल्ली बुला के हमें गाइडेंस करना आई मीन दैट इज बीन फिनोमिनल और आपकी पहली मीटिंग कैसी रही Uh, आपको बताओ जब पहला कॉल आया तो मुझे वो प्रैंक कॉल लगा <laughs> <laughs> कि uh, प्राइम मिनिस्टर वांट्स टू मीट यू तो मैंने दो बार तो बिल्कुल मतलब uh, इग्नोर किया तीसरी बार बहुत डांट पड़ी मुझे कि डू यू हैव यू नो ब्रेन कि आप ये एड्रेस देखिए कहाँ का है uh, रायसीना रोड साउथ ब्लॉक फिर मैंने कहा उन्होंने कहा कल के कल आपको दिल्ली में पहुँचना है पार्लियामेंट में प्रदेश के प्रधानमंत्री आपसे मिलना चाहते हैं फिर तब मुझे थोड़ा लगा पर मुझे लूज़ मोशन भी हो गए थे <laughs> यह बात एक बहुत थोड़ी सी असाधारण थी अब जो है मोर देन अ बिजनेस मोर देन एनी थिंग देश सेवा का इससे बड़ा जज्बा क्या हो सकता है hmm. और उनकी वजह से आ, बिल्कुल मैं तो अपने आप को समझती हूँ कि देश के लिए कुर्बान थैंक यू शर्मिला जी मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला जो एंड आई कैन लिसन टू यू क्योंकि आप बहुत ही अच्छी तरह से बोलते हो hmm. uh, आपकी स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल hmm. है uh, जैसे आपकी आपका बिगिनिंग हुआ और जो आप आज कर रहे हो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था एक आई मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि आप इंग्लिश में स्ट्रगल करते थे थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग अस थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग एंड होपफुली अभी हम आपकी जर्नी फॉलो करते रहेंगे कि नेक्स्ट क्या है और अब आप क्या रोल प्ले करोगे <laughs> So good luck and thank you. Thank you for coming. And I am Bombay. wishing all the best, best wishes and blessings to humans of Bombay, your entire team and krishma your vision. Mm. That this thing has changed so many people's and I think all the youth of this country globally they are looking at you as a role model, as an inspiration. And uh, God bless you, best wishes to you all. And may this humans of Bombay reach to every home of this country and world. Thank you. Thank so you, much. and God bless you, you and Jai Hind. <laughs> Thank you. Thank you for being the best community, and we'll see you in the next one.